देखो, दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ होते हैं सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। कुछ होते हैं कहने को किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन करते लोगों के मन की ही हैं। कुछ अपने ही मन की सुनते हैं, अपने ही मन की करते हैं। तो इन सब की अलग अलग परिस्थिति होती है, उनकी हस्तरेखाओं के द्वारा उनके बारे में आप काफी कुछ समझ सकते हैं। यहां पर हम जिस हस्तरेखा को लेके बैठे हैं, इसके बारे में समझ ले। जब भी ऐसी स्थिति आती है और इसमें आमूल चूल परिवर्तन होता है, तो आपके व्यवहार में, आपके नजरिए में किस तरीके से परिवर्तन होता है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ निकल के आगे की तरफ बढ़ती है। एक सामान्य स्थिति को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकृति के अधीन हो सकता है, वो मध्य में उपस्थित रेखाओं, इसके अलावा जो बाकी पर्वत क्षेत्र है उनके आधार पर उनके विषय में आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ हथेली ऐसी भी है जिसमें स्वतंत्र रूप से दोनों रेखा अलग अलग चलती है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि सबसे स्पष्ट समझ लो कि जब भी ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की हथेली में होंगी, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा समझने वाला होगा, मन में ज्यादा उलझन रखने वाला नहीं होगा। अगर किसी कारणवश उसका मन उलझ गया तो समझ लो कि वो मानसिक तौर पे इतना परेशान हो जाएगा कि उसके लिए जीना, खाना पीना, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सीधी चीजों को समझने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला, सुनने वाला, करने वाला ऐसे किस्म का व्यक्ति हो जाता है। ऐसे लोग परंपराओं के ऊपर नहीं जाते, तथ्यों के ऊपर जाते हैं, और जो दिखता है उसी पर भरोसा करने की स्थिति इनके अंदर होती है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो एक सीधी स्थिति है, ये लाइन अगर बिल्कुल क्लियरिटी काफी आभा के साथ, जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कहीं से भी कोई टूट फूट नहीं है, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, एक से अधिक रेखाओं ने इसे काटा नहीं है, अर्धव रेखाओं ने इसे ज्यादा काटा नहीं है, क्रॉस की सिचुएशन इस पर ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति अपने तरीके से जिएगा और जिंदगी को सही स्तर पर ले जाके छोड़ेगा। वो किसी की नहीं मानेगा, लेकिन जो भी अपना करेगा उसमें पूरी जी जान लगा देगा, और उसका नजरिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही रहेगा, और वो कभी पछताएगा नहीं अपने फैसलों पर। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा अगर लाइन्स आने लगे और इसे खंडित करने लगे, इसे पीछे की तरफ खींचने लगे, खासकर आपके जीवन रेखा की तरफ, तो यहां पर चीजें डिफर हो जाती है, बदलनी शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, आप अपने आप को अपने तरीके से खींचना चाहते हैं और दुनिया अपने तरीके से खींचना चाहती है। जो भी आपके केयर टेकर होते हैं, अगर आपकी उम्र कम है तो अपने तरीके से आपको चलाना चाहेंगे, उस समय आप चाहेंगे कि हम अलग तरीके से चलें। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा, क्योंकि ये क्या करता है, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई को दिखाता है। आपका आपकी सोच बिल्कुल अलग होती है, आपका नजरिया बिल्कुल अलग होता है, चीजों को देखने का तौर तरीके, समझने के आपके बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन आपके आसपास जो मौजूद लोग होते हैं ना, वो दूसरे तरीके से चीजों को देखते हैं, और इस कारण क्या होता है कि भावनात्मक स्तर पर कई दफे आप कुचले जाते हैं और आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती चली जाती है। और जब भी ये रेखाएं जितनी ज्यादा मजबूती से नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, ऐसी स्थिति आपको काफी भावनात्मक तौर पर तकलीफ देने का काम करेगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे हमें कुचला जा रहा है। निरंकुशता धीरे धीरे आपके अंदर भी प्रविष्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये चीजें इस स्तर तक चली जाएगी कि भविष्य में आप चीजों को किस तरीके से लेंगे कहना मुश्किल हो जाएगा। एक मति भ्रम की स्थिति आपके अंदर बन जाएगी, एक उलझन की स्थिति आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहने लगेगी, एक कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर हमेशा चलने लगेगी, उलझन साथ साथ चलती रहेगी। आप सही निर्णय ले लेंगे, लेकिन उसे 25 बार सोचेंगे कि ये सही है या नहीं। अंदर ही अंदर आपका दिल और आपकी आत्मा कहती रहेगी कि नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन किसी प्रेशर के कारण, किसी और कारणवश आप इन चीजों को ले लेंगे। कई दफे ऐसे लोगों के मन में आता है कि जिंदगी में न सफलता सही तरीके से मिल रही है, न शांति है, जो चाहते हैं वो चीजें नहीं हो रही है। जब भी ऐसी स्थिति आए ना, मौन हो जाओ, मौन धारण कर लो, शांत हो जाओ, कुछ दिन चीजों को गुजर जाने दो, नदी किनारे बैठ जाओ, और तालाब किनारे मत बैठना, नदी किनारे, उनके वेग को देखो, जाके मैदान में खड़े हो जाओ और लोगों को चलते हुए देखो, लोगों के हाव भाव को देखो, बॉडी लैंग्वेज को देखो, कैसे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, आप किसी की आवाज नहीं सुन रहे होगे, बस चलते देखना, चेहरे पे देखना, कुछ कुछ महसूस करना, मैं नहीं बताऊंगा क्या, बस महसूस करना, पैर पे देखना कितनी सीधाई है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाथ कहाँ जा रहा है, बॉडी की मूवमेंट किस तरीके से बदल रही है, नित्य हर क्षण भवें आईब्रोज जो होते हैं वो किस तरीके से मटक रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आंखें कितनी हलचल में है, या बिल्कुल शांत है, सीधी जा रही है, खाली है, भरी हुई है, गहराई से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप कहां पे खड़े हो और आप क्या कर रहे हो और आपके लिए क्या रास्ता सही है।
उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे आगे बढ़ते चले जाना। मन में आ रहा होगा क्या दिखेगा, ऐसा क्या मैं देखूंगा, जो बोला है ना बस वही देखना। ये मत सोचना कि क्या पता चलेगा, वो अपने आप पता चलेगा। आजकल के यूथ्स में और लोगों में क्या है ना, बड़ी हड़बड़ी होती है। सच पूछो तो काम कुछ नहीं होता है, लेकिन हड़बड़ी बहुत होती है कि क्या होगा, उस करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। भैया मैं पूछ तू, सवाल करने से क्या होगा बता दो ना, सीधे काम पे क्यों नहीं लग जाते। तो ऐसे करो तो आपको उसका अर्थ पता चलेगा, जीवन संभल जाएगी, बस ये समझ लो। मेरी वीडियोस बनाने का वैसे भी एकमात्र उद्देश्य होता है कि हर एक ऐसा बंदा जो कि जिस भी तरीके से समझ सकता है उसे समझा दो। मेरे पास बहुत ही आसान शब्द है जिससे बिल्कुल क्लियर बोल दूं, ऐसी लाइन होगी तो ऐसा होगा, आप समझ जाओगे। लेकिन सारे लोग नहीं समझ पाते ना, और मैं किसी एक को समझाने के लिए तो बैठा नहीं हूं। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। इसलिए एक चीज को मैं 4 से 5 तरीके से बताता हूं ताकि सबको समझ आ सके, किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा इतना मिनट बर्बाद गया। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को शॉर्टकट की आदत है। नहीं, सीधे पॉइंट पे आए बता दे। भैया इसी शॉर्टकट के चक्कर में आपकी जिंदगी की लॉन्ग कट होके पड़ी है और आप कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। इसलिए सही चीजों को समझो, ठीक है। सही चीजें हमेशा छोटी नहीं होती, हमेशा बड़ी नहीं होती। अर्थ क्या है उसे समझने की कोशिश करो, और खासकर अगर आप रंग अष्टो पे हो तो यहां पे तो मतलब उसे कहते हैं ना ज्ञानी बन के ही जाओगे, बस वही कहानी आ जाती है। अब देखो, अब इन मध्य के बीच में जो भी लाइंस होगी इन्हें काफी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि इसके जो प्रभाव है आपके लाइफ के हर एक पहलू को छूने वाले होते हैं। खासकर इस मध्य के क्षेत्र में देखो, जैसे इस हथेली में क्या है, एक सीधी खड़ी रेखा आ रही है। ये रेखा कहाँ जाके मिल रही है, किससे मिलना चाह रही है, तो शनि से मिलना चाह रही है। और मंगल यहाँ पर पूरी फोर्स के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, और इनकी जो फोर्स है वो सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है। यानी कि एक अंदर ही अंदर ज्वाला पैदा करने का काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अग्नि आपको चैन से न सोने देगा, न उठने देगा, न बैठने देगा। ज्वाला हमेशा फूटती रहेगी। घरेलू संबंधित परेशानी, अपनों से रिलेशन में परेशानी, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं उसकी तरफ से आपके जीवन में समस्या, मतलब जो भी करना चाहोगे ना, बिना अड़चन के कोई भी काम आपका हो ही नहीं सकता है, बस यही समझ लो। जब यहाँ पे सीधी खड़ी रेखाएं काटने लगे ना, तो सीधा समझ जाना, वो भी खासकर अर्ध रेखाएं वो तो समझ जाना कि जिंदगी ने मतलब लेने का मन बना लिया है और पूरी तैयारी के साथ आ गई है। अब जब तक ये रहेगी, जिस टाइम पीरियड तक आपकी एज के, जिस क्षण तक, उस समय तक आपकी लेती रहेगी जान, परेशान करके ही छोड़ेगी। अब इसमें क्या है, देखो शनि की जो ये रेखा है काफी कमजोर होती चली गई है। क्या है, इसे अभी बल की आवश्यकता है। जैसे एक पौधा है ना, आपने लगा दिया, उसे पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एकदम सूख सक जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उस तरीके की स्थिति पड़ी है। इसके पूर्ण जीवन के लिए कुछ काम करना चाहिए। मंगल की स्थिति आखिर क्यों हो पा रही है यहाँ पे, कि मंगल मंगल ना करके अमंगल कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है क्योंकि अगर आपको पता है कि मेरे लिए क्या रास्ता सही है, तो आप फिर भी आखिर क्यों औरों के चक्कर में पड़ के अपने भविष्य आप खराब कर रहे हैं, या अपने लिए जो बेहतर स्थिति थी उसे आप भुना नहीं पा रहे हैं, या सही अवसर को आप जानबूझ के छोड़ने के लिए विवश हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण हो जाता है अपने पर पूर्ण भरोसे का ना होना। और उसकी बात कहाँ से आ जाती है, तो मरकरी और आपके सैटर्न के स्माउंट से। इन दोनों की स्थिति अगर भरी पूरी नहीं है तो क्या होगा, ये अवसाद पैदा करेगी, ये विभेद पैदा करेगी, और आपके मन में कन्फ्यूजन एक आ जाएगी, जिसके कारण सही चीज़ों का चयन कर पाने में आप असमर्थ हो जाएंगे, लोग आपको कन्फ्यूज कर दे पाने में समर्थ हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, इन चीज़ों के संबंधित कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। सर में दर्द है तो इसका मतलब हमेशा सर में ही प्रॉब्लम नहीं है, पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका इफेक्ट सर पर दिख रहा हो। आपकी किस्मत में तो खासकर इफेक्ट कुछ और दिख रहा है, उसका रीजन बहुत दूर होता है। तो उस समय पूर्ण हस्तरेखा का विश्लेषण आपके लिए काम करता है और आपको असलियत में बताता है कि आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है और किस तरीके से समस्याओं को आप रोक सकते हैं, या अच्छा है तो किस तरीके से उसका लाभ आप ले सकते हैं। मस्तिष्क रेखा जो जो आगे जाएगी, जितनी ज्यादा बेहतरीन अवस्था में होगी उतना ज्यादा अच्छा। जैसे कि देखो यहाँ पे आके टूट गई है, टूटना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं होता।
जो चयन होता है जन्म जन्मांतर के चक्कर में। इस समय क्या है, इसके किस तरीके से प्रभाव पड़ेंगे, ये एक अपुष्ट स्थिति को दर्शाता है। जब आप सही निर्णय न ले पाने के कारण अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा नुकसान स्पष्ट तौर पे करेंगे। लेकिन उसके साथ ही नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बुद्ध की जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये काफी शक्तिशाली है और काफी तीव्र गति से अपने पथ की तरफ बढ़ रही है। जातक जैसे ही उस उम्र में आ जाएंगे जब अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर करने की स्थिति हो जाएगी, जो कि एक खास उम्र है, उसके बाद कार्य क्षेत्र में आप अपना लोहा दिखाएंगे, आप बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिंदगी कड़ी परीक्षा लेगी, जबरदस्त लेगी। मतलब सर से जो पसीने की बूंदें जाएंगी ना, वो मतलब पैर भिगा देंगी, ऐसी कहानी। तो जिंदगी यहां पे आसान नहीं है, लेकिन बड़े मजे देने वाली है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि रेखाएं किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने पे बहुत चीजें बदल जाती हैं, पूरी पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। इसलिए मोटे तौर पे मैंने इन चीजों को आपके समक्ष रखा ताकि आप इसका मतलब कुछ हद तक समझ जाएं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।